सोगुल साहब आज क्या बना रहे हैं? आज इंशाल्लाह ताला खैर से चावल बना रहे हैं, तहारी चावल जिसको कहते हैं। तो उसमें तो खाली आलू डालते हैं, लेकिन हम आलू और चने जो होते हैं चिक पीस काबली चना। हाँ चिक पीस दोनों मिला के और उसकी जो तहारी बनाई है। सो ये तेल की मिकदार कितनी डाले आपने? ये आप समझ ले के खाने आधा कप डाले, चाय के आधे कप। तो इसको कितनी देर यानी गर्म होने देना है? ये बस जैसे तेल गर्म होता है इसमें प्याज डाल देना है। सो पहली चीज हमें प्याज डालना है। हाँ, प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए, फिर उसमें अदरक लहसुन डालेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें लाल सुर्ख मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। तो वो तो मसाले हम डाल के बताएंगे कि कितने डालने और किस तरीके के डालने। हाँ, पहला स्टेप यही है कि तेल गर्म हो जाए तो उसमें प्याज हल्की ब्राउन होने के बाद अदरक लहसुन डाल दीजिए। ओके ठीक है। प्याज डाल दिया आपने? हाँ, ये प्याज डाल दिया। और तो इसको कितनी देर मतलब यानी हल्का ब्राउन होने का? हाँ, हल्का ब्राउन, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन होने के बाद फिर इसमें अदरक लहसुन डलेगा। हाँ। ताकि बाकी प्याज जो है ना वो अदरक लहसुन और बाकी प्याज का ब्राउन बचा हुआ ब्राउन होना वो अदरक लहसुन के साथ हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो अदरक लहसुन है वो आपने रेडीमेड लिए या आपने घर में बनाया? नहीं नहीं, अदरक लहसुन ज़्यादातर जो है ना घर पे ही उसको आप वो करें। ओके, तो आपने इसको वो हमाम दस्ते में कूटा है? हमाम दस्ते में कूटा है। आप जो है ना उसमें भी क्या कहते हैं जूसर मशीन में भी पीस सकते हैं। बट फ्रेश आपका मूल्य है, मतलब फ्रेश डाले इंसान? हाँ, फ्रेश डाले तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो दोस्तों, आप जो है वो फ्रेश बनाने की कोशिश करें, रेडीमेड मसाला ना यूज़ करें। तो जो फ्रेश होता है उसमें अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए आप फ्रेश ही बनाकर यूज़ करें। ख़ास तौर पे अदरक लहसुन खाने में फ्रेश होगा तो उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क खाने में पड़ जाएगा। क्योंकि रेडीमेड जो होता है अदरक लहसुन, पहले तो अदरक लहसुन को केमिकल लगा के रखना होता है ताकि वो ख़ुद ख़राब ना हो। फिर उसके बाद जब वो खाने में डलता है तो आप खाना पकाते हुए ख़ुद का अदरक लहसुन कूटा हुआ डालो और वो। हाँ, तो गुल साहब प्याज को ब्राउन कर दिया अपन ने? हाँ, प्याज जो है ना हल्का ब्राउन हुआ, अब उसमें ये फ्रेश अदरक लहसुन डल गया। अच्छा, तो बताएगी आप वो जो जिसमें से आप डाल रहे हो ऊपर लाकर बताएंगे थोड़ा, अदरक लहसुन जिसमें से डाल रहे हो? हाँ, ये हाँ, सो इसमें पीसना है? हाँ, इसमें आप अदरक लहसुन कूट दे, बहुत अच्छा जायका आएगा। आपके घर में मिक्सर हो तो आप मिक्सर में भी पीस सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका जो है ना ज़्यादा टेस्ट आएगा। जैसे आपके घरों में आपके अम्मा या दादियाँ वो ज़्यादातर इन चीज़ों को, हाँ ये पुराना रिवाज है कि जो पुराने लोग हैं वो इस चीज़ में पीस के हाँ करना और ये सब मसाले बनाने को प्रीफर करते हैं। तो ये गैस की जो फ्लेम रखे हो आपने वो मीडियम रखे हो, फास्ट रखे हो या स्लो रखे हो? हाँ देखो, जब प्याज ब्राउन कर रहा था तो फास्ट था, जब अदरक लहसुन डालने लगा तो फ्लेम को स्लो कर दिया। ओके। अदरक लहसुन डाल दिया, अब दोबारा थोड़ा सा तेज कर दिया। ठीक है। ताकि अदरक का जो अदरक लहसुन प्याज के साथ भुन जाए, जले ना। हाँ, भुन जाए। ठीक है। अगर फ्लेम स्लो नहीं करता तो वो प्याज तो ऑलरेडी हो रही थी और अदरक लहसुन डालता तो प्याज ज़्यादा हो जाती और अदरक लहसुन जो है ना कच्चा रह जाता। ठीक है। तो थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए फ्लेम को जो है ना स्लो करके दोबारा। सोगुल साहब, प्याज गोल्डन हो गई है, अब मसालों की बारी है। हाँ, तो प्याज और अदरक लहसुन दोनों एक पोजीशन में आ गई। हाँ, अब इसमें आप अपने हसबे जायका लाल मिर्चे डालें। ठीक है। और लाल मिर्चे जितनी आपको खानी है। ठीक है। जिस क्वांटिटी से आपका खाना बनता है। ठीक है। और गरम मसाला
कम से कम एक चम्मच मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि एक किलो राइस है मेरे पास, एक किलो राइस है बराबर, तो उसमें एक चम्मच गरम मसाला, ठीक है, और आधे चम्मच से कम हल्दी, हल्दी डाल, हल्दी और लाल मिर्च आप अपने हसब जायका डाल दें, हाँ जिसको जितना तेज़ खाना है उस हिसाब से, उस हिसाब से वो डाल दें। तो ये तीन मसाले डाल दिए, ठीक है, इसमें हल्का सा पानी डाला, ठीक है, ताकि ये मसाला थोड़ा पक जाए, कोई भी खाने का मसाला वो थोड़ा सा पानी डाल के उसको पकाया जाए, तो फिर आपके सीने में जलन नहीं होगी, चाहे आप खाना कोई भी बनाएं, ठीक है, लेकिन अगर आपका मसाला नहीं पका है सही और आपने अभी मसाला डाला, फौरन आलू डाले या कुछ और डाला, तो ये चीज़ किसी को पता नहीं है, लेकिन ये हमेशा नोट करें कि जब तक मसाला थोड़ा सा भुना ना है, पके ना, तो आपके सीने में जलन होगी खाने के बाद और अजीब से डकारी महसूस करेंगे। ये चीज़ आप कोई भी वीडियो देख के, ये हाँ वो तो मोस्टली लोगों को फट। तो दोस्तों ये हमने मसाला यहाँ पर भून लिया है, अब बारी है आलू की, इसमें आलू डाल दिए, ये गए हमारे आलू, चिक पीस ऑलरेडी पके हुए, हाँ हमने वो रेडीमेड वाले चिक पीस लाए जो कंटेनर में होते हैं, वो ऑलरेडी बॉइल्ड होते हैं, ये थोड़ा सा इसमें, अगर बंदा इंसान अगर जो ये कच्चे चिक पीस इस्तेमाल करना चाहे जो मार्केट में मिलते हैं जो इस तरीके के बॉइल नहीं होते, तो उसको मेरे ख्याल से पहले भिगा देना चाहिए हमें, हाँ उसको पहले से भिगा के और फिर उसको जला के उसको यानी एक बॉइल दे देना चाहिए, हाँ एक बॉइल दे देना चाहिए ताकि वो गल जाए, ठीक है ठीक है, लेकिन अभी रमज़ान है टाइम नहीं है, हाँ उसलिए हमने रेडीमेड लाया है, फ्लेम को आपने लो कर दिया है, हाँ फ्लेम को थोड़ा लो कर दिया, क्योंकि जब तक ये आलू मसाले में थोड़ा वो हो रहा है, हमने टमाटर काट के टमाटर डालने हैं इसमें, हाँ जी गुरु साहब कितने टमाटर डाल रहे हैं, हाँ ये दो आदर टमाटर इसमें डाल दिए, और ये टमाटर जैसे ही गलते गलते आलू भी गल जाएंगे, और फिर उसमें चिक पीस और चावल एक साथ डालेंगे, ठीक है, तो चिक पीस और चावल एक साथ डालेंगे, अभी ये टमाटर और आलू को एक साथ पकने देंगे मसाले, हाँ ताकि ये आलू थोड़े गल जाए, ओके ओके, फिर जो है ना चिक पीस और चावल एक साथ डाल देंगे, क्योंकि वो तो चिक पीस तो ऑलरेडी हाँ पका हुआ है, वो रेडीमेड है, हम एक कंटेनर बता देंगे हमारे व्यूवर्स को जिस कंटेनर से हमने चिक पीस यूज़ किया है, ये चिक पीस हमने यूज़ किया है, ये बिल्कुल बना बनाया किसी भी स्टोर से आपको मिल सकता है, ओके 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 ओके, ये इस तरीके का चिक पीस है, ठीक है, सो अभी इसे ढक्कन लगा देंगे, अभी इसको 5 मिनट तक ढक के रखना है ताकि टमाटर और आलू थोड़े गल जाए और टमाटर ढीले हो जाए, टमाटर इसमें घुल जाए, ठीक है ठीक है, तो कितने मिनट हो गए गुल साहब इसको रख कर हमें, हाँ इसको 5 से 6 मिनट हो गए और ये आलू गलने में आ गए, टमाटर इसके अंदर पूरे गल गए, हाँ टमाटर तो ऑलमोस्ट हो चुके, हाँ और ये जो है ना अब हम डाल रहे हैं मिर्ची, हाँ हमने पहले लाल मिर्ची डाली थी अपने अपने हसबे जायका, और ये हरी मिर्ची भी अपने हसबे जायका, जितनी आपको तेज़ खानी है वो अपने टेस्ट के मकदार का, हाँ हम लोग जैसे मिर्चें थोड़ी तेज़ खाते हैं तो अपने हिसाब से, हाँ टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्ची भी डाली थी, हाँ और हरी मिर्ची भी काट के डाल दी, तो उससे ये है कि अभी इसको थोड़ी देर भूनना है हमें, हाँ मिर्चियों को डालने, हाँ थोड़ी देर जो है ना ये अभी आलू थोड़ा और गल जाए, हाँ 5 मिनट दोबारा ढक देते,
ताकि आलू थोड़े गल जाए, फिर उसमें जो है ना चावल और चिक पीस डाल के फिर उसको दम देना है। हाँ, फिर उसको उबालने के बाद दम देंगे। ठीक है। हाँ तो गुल साहब, इसको हमने ढककर रख दिया है, अभी हमको हो चुके हैं कितने, 5 मिनट हो चुके हैं ढककर रख के। हाँ, बस 5 मिनट के बाद इसको दोबारा देखते हैं कि टमाटर और आलू की क्या पोजीशन है। हाँ, तो मतलब इसे खोल कर चेक करना है कि आलू और टमाटर की क्या पोजीशन है, उसको थोड़ा चम्मच चलाकर चेक करते रहना है। इसको 5 मिनट के बाद खोल के चेक करना है ताकि किस पोजीशन में, साहब हमारा ये तो अभी चलो पक रहा है, मगर आज का जो दुबई का जो क्लाइमेट था वो किस तरीके का था? हाँ, आज दुबई का क्लाइमेट जो था वो बहुत खतरनाक था। दोपहर के बाद मट्टियों के तूफान चल रहे थे मेरे ख्याल से। हाँ, दोपहर शाम में जब मैं घर आ रहा था तो हाईवे पे बड़ा जोरदार वो था, तूफान था, सैंड का स्टॉर्म चल रहा था। और जैसे कल भी बड़ा खतरनाक तरीके से हुआ था, दुबई की एक रोड पे एक्सीडेंट भी हुआ है, 30 गाड़ियां टकराई गई है। तो दुबई गवर्नमेंट ने खास तौर पे ड्राइवरों से कहा है कि बहुत ध्यान से, और जहाँ सैंड स्टॉर्म आए तो रुक जाए करें। सो मेरी दुबई के व्यूअर से गुजारिश है, जो लोग भी देख रहे हैं मेरी वीडियो, कि जब भी इस तरीके का मामला हो और इस तरीके की हालात आए तो मेरे ख्याल से तो अपनी गाड़ियों को एक अच्छी और सेफ जगह पर लगाकर रुक जाए और थोड़ी देर वेट कर ले। हाँ, दुबई गवर्नमेंट भी बार बार आपको इसी चीज़ का आगाही मुहिम बताते रहते हैं कि भाई आप लोग सेफ रहें, और उनकी तरफ से हर चीज़ का बड़ा सेफ्टी ऑर्डर दे रहा है आपको। तो आज भी खैर कल ज़्यादा था, आज इतना नहीं था, लेकिन सब अपना ख्याल करें। और इंडिया के और पाकिस्तान के लिए जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बस उसके लिए मैं सिर्फ अल्लाह ताला से बहुत बहुत दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना इस पूरी दुनिया से और पूरी इंसानियत के पे जो अजाब आया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बस उसके लिए मैं सिर्फ अल्लाह ताला से बहुत बहुत दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना इस पूरी दुनिया से और पूरी इंसानियत के पे जो अजाब आया है, अल्लाह ताला अपने रहम करम से इसको ख़त्म करे। आमीन आमीन। और सबको जो है ना ईमान का जज्बा दें। बिल्कुल। और मुसलमानों को और कोई भी जो भी इंसानियत से ताल्लुक, हर इंसानियत के लिए अल्लाह ताला इस वबा को उसके सर से हटाए। आमीन आमीन। पूरी दुनिया में वापसी अपना जैसे पहले, हाँ, जो पहले की रूटीन पे लोगों की लाइफ थी और जो मामले चल रहे थे उस तरीके के हो जाए, अल्लाह करे कि वैसे हो। आमीन आमीन आमीन। हाँ तो दोस्तों, ये हमारे को अराउंड 8 से 9 मिनट हो चुके हैं और हमने अभी ये जो ढक्कन हटाया है तो चेक कर रहे हैं कि ये आलू हुए कि नहीं हुए। तो इसको जो है ना वो आपको स्लो फ्लेम पर रखना है, और हो सके तो नीचे कोई चीज़ रख दें, और रख कर पकाए तो ये आलू जो है ना वो एकदम प्रॉपरली तरीके से बल जाएंगे। तो ये फिर से हमने ढक्कन हटाया है और चेक कर रहे हैं कि ये मसाला और आलू प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। ये हमको एटलीस्ट 12 मिनट तो हुए होंगे गुल साहब। हाँ, तकरीबन इतना हुए, क्योंकि इसमें टमाटर डाले थे, और टमाटर हल होने में और आलू गलने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, मगर ऑलमोस्ट तो अभी आलू हो चुके ऑलमोस्ट। तो गुल साहब, आलू अभी हो चुके हैं। हाँ, आलू ऑलरेडी हो गए। हाँ, अब इसमें मैं चिक पीस डाल रहा हूँ। हाँ, ये एक कंटेनर हमने डाला है, छोटा वाला एक कंटेनर डाला है, क्योंकि हमने तो इतना ज़्यादा नहीं बनाना है। वो तो चावलों की मकदार पे डिपेंड होता है कि कितने चावल है, तो हमने 1 किलो चावल लिया है तो 1 डब्बे का इस्तेमाल किया है। अब आलू हो चुके हैं, चिक पीस डाल लिए, ये ऑलरेडी हुए हुए, अब इसमें हम चावल डालेंगे
ठीक है। फिर जो है ना इसको दम पे रखेंगे। जो चावलों को हमको भिगा के इस्तेमाल करना है इसमें। हाँ, चावल ये रखे हुए कम से कम आधा घंटे से 45 मिनट और इसको भिगाने के बाद इसमें हाथ चलाना है हमें। हाँ, इसको जैसे आप पानी में डाल दें ये डीप पानी में रहे और हर 5 मिनट के बाद 6 मिनट के बाद इसको पूरा चावल में इसको मूव करें, हाथ चलाएं, ताकि वो एक जैसे चावल नरम हो जाए। ठीक है, ठीक है। अगर एक ही जगह पड़े रहे तो वो प्रॉपर नहीं होते। ठीक है। अब जैसे कि मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। हाँ, और पानी डालने के बाद फिर इसमें चावल डालूँगा। ये कितने कप पानी डाले होगे गुल साहब? ये देखे कि जो हिसाब है वो एक कप के पीछे 1.5 कप पानी डालता है। Okay. लेकिन मुझे एक आइडिया है, एक अंदाज़ा है। मैं अब ये देखे कि जो हिसाब है वो एक कप के पीछे 1.5 कप पानी डालता है। Okay. लेकिन मुझे एक आइडिया है, एक अंदाज़ा है। मैं बग़ैर नापे तोले अपने हिसाब से डाल लेता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपने बनाना है और हिसाब रखना है तो अगर 1 कप चावल है अगर तो उसके लिए 1 कप चावल के लिए 1.5 कप पानी होना चाहिए। 1 कप चावल के लिए 1.5 कप पानी होना। हाँ, ये उसकी मेजरमेंट है। और क्योंकि मुझे तो आइडिया है ना, मैं नाप तोल करता हूँ तो अपने। ठीक है, तो आपने अपने आइडिया के हिसाब से हाँ पानी डाला है। मगर जिनको अगर 1 कप जिन्होंने चावल लिया है सो जब चावल ले तो चावल को 1 कप में डालकर मेज़र करें और उसके बाद उसको भिगा दीजिए। कम से कम 45 मिनट्स भिगाए और उसमें हाथ चलाते रहिए, क्योंकि वो जो चावल होते हैं ना वो एक एक लेवल से बड़े होते हैं तो उसके अंदर हाथ चलाएं। वो चावल के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है कि आपको देखने पड़ते हैं, कोई चावल आधा घंटा, कोई 45 मिनट, कोई 20 मिनट। ठीक है। आपको ये आइडिया भी होना चाहिए कि कुछ चावल जल्दी नरम हो जाते हैं और कुछ चावल थोड़े टाइम लेते हैं। ये देखे आप देख सकते हैं, मैंने इसमें इतना पानी डाला कि इसमें चावल, आलू और चिक पीस वो पूरी अंदर डिप है। हाँ, मतलब इतना ज्यादा भी ना डाले, इतना कम भी ना डाले। हाँ, एक लेवल का मिकदार रखे। मेरे ख्याल से तो 1 इंच ऊपर तक डाले। हाँ, कम से कम 1 इंच ऊपर। अच्छा, उस टाइम हमने मसाले डाले थे। हाँ, उनमें नमक नहीं डाला था। हाँ, लाल मिर्ची, गरम मसाला और हल्दी डाली थी, 3 मसाले। नमक नहीं डाला था। नमक आप जब चावल डाल देंगे उसके बाद अपने हसबे जायका डालें। ठीक है, ठीक है। क्योंकि चावल के बाद नमक डालेंगे तो वो चावल नमक जो है ना चावल में जज्ब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये कितने 2 चम्मच नमक डालेंगे? हाँ, ये तो मैंने अपने हिसाब से जो हम खाते हैं उस हिसाब से 2 से 2.5 चम्मच डाल दिए। ये 1 किलो चावल में हमने 2 से 2.5 चम्मच नमक डाले वो हमारे टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि इसमें चिक पीस और आलू और ये सारी चीज़ें, बाकी नमक आप अपने हिसाब से डालें। ठीक है, तो गैस को हमने फास्ट कर दिया गुल साहब? हाँ, अभी थोड़ी देर तक इसको फास्ट रखना है ताकि इसमें बॉयल आ जाए और बॉयल आने तक मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। जैसे बॉयल आएगी तो फिर मैं थोड़ा सा चूल्हा स्लो करूँगा। ठीक है। और फिर जैसे जैसे पानी थोड़ा सा रहता है तो फिर इसको फौरन दम पे रखूँगा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी गुल साहब, ये अभी पानी तो सूख गया है। हाँ, तकरीबन देखो 4 से 5 मिनट मैंने इसको ढक के रखा था। हाँ, तो पानी काफ़ी हद तक कम हो गया और चावल भी अच्छे लंबे हो गए। चावल भी फूल गए, थोड़े लंबे हो रहे हैं। हाँ, और अब जैसे थोड़ा सा इसमें और पानी कम हो जाए तो फिर मैं इसको दम पे रखूँगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए दोबारा ढक रहा हूँ। ठीक है। हाँ गुल साहब, अभी फिर हमने ढक्कन हटाया और अभी पानी अच्छा खासा सूख चुका है। हाँ बिल्कुल, इसमें पानी खुश्क हो चुका है। अब इसको हम रखेंगे दम पे और 10 से 15 मिनट के बाद जो है ना बटका। हाँ जी गुल साहब। हाँ, ये आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और हाँ। अब जो है ना मैं 15 से 20 मिनट के लिए आप
ढकने पे अखबार भी लगा सकते हैं, हाँ, फाइल पेपर भी लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन मैं कपड़ा लगाता हूँ, हाँ, तो अब मैं इसको आखिरी दम पे रख रहा हूँ और ठीक है। आधा घंटे बाद 30 मिनट बाद इसको दोबारा खोल के देखेंगे। ठीक है, तो इसको 30 मिनट के लिए हमें शायद दम देना है। हाँ, 30 मिनट के लिए आप तवे पे इसको दम दे सकते हैं या कोई और चीज हो ताकि पतीले के नीचे रहे। हाँ, ये जले ना, नीचे से तलिया ना पकड़े। लेना आप तवे के ऊपर रख के पतीला या कोई भी और ऐसे कोई पतली सी चीज हो। ठीक है, ठीक है। सो हम एक थोड़ी देर बाद मिलते हैं, 30 मिनट्स बाद मिलते हैं। जब तक ये राइस इंशाल्लाह पक जाएंगे, फिर हम आपको इसको निकाल कर बताएंगे कि किस तरीके के राइस बने और किस तरीके का इसका टेस्ट है। सो दोस्तों, हमने जब दम पर रखा था उसके बाद ये जो राइस है ये इस तरीके से रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको इस राइस को प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो राइस है वो मैंने प्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हो एक एक राइस की साइज़ और किस तरीके से ये फुल मसालेदार राइस हमारे रेडी हो गए आलू दाल के। सो दोस्तों, और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिर्ज़ास ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। सो बहुत ही जल्दी हम एक नवी वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ़।